ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा, कितना भयानक ख्वाब था बाबा। बाबा सब ठीक है? ये सब है किधर बाबा? बाबा ये तो मैं हूं बाबा। अरे बाबा ये सब क्या हो रहा है? सीमा नलिना, अरे बाबा ये सब क्या हो रहा है? मुकदमे के आंसू बारी झूठी औरत। अरे बेरे हो गए हो, सब गूंगे हो गए हो क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? सीमा मैडम, रिश्तेदारों को तो बताना पड़ेगा कि अब बच्चू भाई दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं जाने, रिश्तेदारों को नहीं बता सकती मैं, और वैसे भी आधे रिश्तेदारों को तो अभी तक मेरी शादी का ही नहीं पता, डायरेक्ट बेवा होने की खबर। नहीं समझ रहे हो ना तुम? नहीं 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 समझ रहा, आपने बताया क्यों नहीं? ऐसे गंवार लोगों में शादी करा दी थी ना पापा ने मेरी, वैसे पत्र जैसे भी थे तो मेरे शौहर ही ना। बाबा सीमा ये मैं हूँ बाबा, मैं जिंदा हूँ बाबा, मैं ये खड़ा बाबा मैं। सीमा मैडम कुछ भी हो, अब आपके कुछ रिश्तेदारों को तो पता ही होगा ना कि आपके साथ ये शादी वाला साथ यहाँ होते। मेरे भी कुछ दोस्त यार हैं, उनको भी पता है कि मैं एक नेहायत ही कंजूस जंगली अनपढ़ किस्म के जो है ना सेठ के पास काम करता हूँ। अब वो आएंगे ना, उनके लिए इंतजाम तो करने पड़ेंगे। चले मैं फिर कुछ इंतजाम करता हूँ। जानी मैं तुम्हें छोड़ू। तुम लोगों ने मेरे दादा को इतने दुख दिए कि बेचारा मर गया। अब मैं कवारी चौकरी की वाला जादी कौन कराएगा? देखा बाबा मेरी बहन जो है ना वो मेरी तरह है बाबा, कितनी अच्छी है मेरी बहन, मुझसे मोहब्बत करती। अब तो बाबा मेरे को दो छोकरे ढूंढने पड़ेंगे, एक अदा बनाने के लिए और दूसरा शोर। कितना मेरा काम बढ़ गया। पागल हो जरीना तुम, भाई बनाने के लिए कौन लड़का ढूंढता है? अरे पापा मैं ढूंढूंगी ना, लेकिन इस दफा तुम देख लेना, पढ़ा लिखा छोकरा देखूंगी, मॉडर्न हो जो मॉडर्न, अदा बच्चों की तरह जाहिला हो जो जोनू का गुलाम हो, और मेरे लिए शादी के लिए इतना खूबसूरत लड़का देखे जब बिल्कुल मॉडल हो मॉडल। मेरा दा बच्चू। बाबा जरीना तू भी इन जैसी निकली है, कहाँ जाऊँ बाबा, किधर फंस गया? सब तेरी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ, बाबा शादी का रोना रोती रहती है, सारा काम करा करा के डॉक्टरों की तरह मेरे अंदर कुछ भाई की तो फिक्र ही नहीं है। भाई मेड इन जर्मनी हो क्या? क्या माशाल्लाह क्या बाल बनाए हुए। अरे बाबा जानी तुम मेरे दोस्तों के साथ बैठ कर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यार लेकिन ये सब हुआ कैसे? बस भाई दो चीजें जो है ना इंसान को ले डूबती हैं, एक गुर्बत और दूसरी जहालत, ये जान ले के ही छोड़ती हैं। लेकिन जानी भाई बच्चू तो बहुत अमीर था, यानी बैंक बैलेंस। इसने दो वजूहत बताई हैं, दूसरी की वजह है जहालत। हाँ यार वैसे इसमें दूसरी कोई राय नहीं। अरे बाबा मेरा तो दिल कर रहा है इन सबको जान से मार दूं। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, चलो अब दोस्ती रखनी हो मुझसे तो आते जाते रहना। चल बे नौकर से कौन दोस्ती करेगा। अरे आप सब लोग? सीमा मैडम बच्चू भाई के दोस्त है फारिक, ताजियत के लिए आए हैं।
अल्लाह, इतनी प्यारी भाभी छोड़कर मरा है हमारा दोस्त। बस कर दे भाई, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। क्या गलत हो गया भाई, मुझे भी तो बताओ क्या गलत हुआ। इतनी प्यारी भाभी और हमें पता ही नहीं था। तू ठहर के पिटेगा या अभी पिटेगा? वैसे वो था तो बहुत ही कंजूस। अब आप सब लोग आ गए हैं तो खाना वाना खा के जाइएगा, कुछ चाहिए हो तो जाने को बता दीजिएगा। ठीक है जाने, ख्याल रखना। बेफिक्र। अब तुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी पक्का, बहाने आना जाना लगा रहेगा। इसका मतलब है हमारे दोस्त बच्चों की याद हमारे दिल में ताजा रहेगी। काश मैं जिंदा होता बाबा, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचता। वैसे एक बात है, इस सेहत पे इतना कॉन्फिडेंस कमाल है तेरे पे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सीमा। लेकिन मुझे तो आ गया। अब मेरे को भी आ गया। सरीना के चेहरे से तो गम झलक रहा है। नहीं बाबा, ये हालत गम की वजह से नहीं, भूख की वजह से। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। जाने, ओ जाने। आ गया आ गया। फौत की के घर में तो चैन से रहने दिया करें। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है भला, ये बताओ कि खाने में क्या है। शादी ब्याह हो, सालगिरह हो, वलीमा हो, मैयत हो, बिरयानी बिरयानी होती है और वो भी बाहर की। नहीं नहीं जानी, इस बार ना हम लोग फौदगी पे मेन्यू चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, कुछ नया होना चाहिए। एक काम करता हूँ, आलू का सालन और पापे मंगवा देता हूँ, बिल्कुल नया हो जाएगा। अरे भाई, इसका मतलब है कोई ऐसा आइटम जो आम तकरीबात में नहीं होता। हाँ जानी, शाशलिक और फ्राइड राइस मंगा लेते हैं। बाबा मैं तो पिज्जा खाऊंगी। हद हो गई है बाबा, वहाँ मेरी लाश पड़ी है, उसको दफनाने की किसी को फिक्र नहीं है और यहाँ खाने के मेन्यू पे लड़ाई हो रही है। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब मंगवा लेते हैं, मिलजुल के खा लेंगे। हाँ ठीक है। इसे सीमा बहन को देख के लग नहीं रहा कि इन्हें बच्चू भाई की मौत का अफसोस है। अरे क्यों याद दिला दिया तुमने मुझे बच्चू। इतनी मुश्किल से तो रोने से ब्रेक लिया था, सुबह से रो रही थी, बताओ ना जानी। बहुत ज्यादा रो रही थी। प्लीज अब मत रो। मैं हूँ ना आपका जानी, मेरा मतलब है मुखलिस जानी। देखें, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, लेकिन आपका जानी आपके साथ रहेगा। थैंक यू जानी। अरे बाबा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी इस जानी को इस घर में नौकर कर ही देकर। कहीं ऐसा तो नहीं है इसने मुझे जहर देकर मारा हो। एक आप है कितनी अपनाइयत से बात करती है, और एक वो थे हमेशा मुझे पराया नौकर ही समझा। उनको हर वक्त शक रहता था मुझ पे, कहीं मैं जहर देके ना मार डालूं। अरे बाबा, ये तो बहुत होशियार है, मरे हुए लोगों की भी बातें सुन लेता है। अभी भी अगर कहीं से वो देख रहे होंगे ना तो मुझ पर ही शक करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, मैं जरा खाने वाने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, शाशलिक और पिज्जा। हाँ ठीक है। चले मरहूम की मगफरत के लिए दुआ करते हैं। जी जी बिल्कुल। अल्लाह ताला मरहूम की मगफरत फरमाए, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। बाबा, लगता है इन दोनों को मेरी याद बहुत आ रही है, बहुत उदास बैठी। जरीना, क्या सोच रही हो? मैं बाबा ये सोच रही हूँ कि जानी पता नहीं कहाँ से पिज्जा लेके आया, बिल्कुल भी मजा नहीं था। वैसे तुम सही कह रही हो, शाशलिक भी ना बिल्कुल मजेदार नहीं थी, इतनी छोटी छोटी सी बोटियाँ, वो भी ना होने के बराबर। रुको, मैं जरा अभी जाने को बुलाती हूँ। जाने। अरे बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि ये बुझे याद करके उदास हैं, तो मामला ही कुछ और है बाबा, मामला बोटियों में फंसा है। जी मैडम, जी मैडम। ये कैसा खाना लाए थे तुम? ना ही पिज्जा मजे का था और ना ही उसमें बोटियां थी ढंग की। शाशलिक में सही कह रही है, बाहर बच्चू भाई के दोस्त आए हुए तो उनको बिरयानी मैंने दी, कह रहे बिल्कुल मजा नहीं आया। तो भला ये तुमने बदमजा खाना मंगाया किधर से था? अलग अलग जगहों से मैं लेके आया हुआ था, मुझे क्या पता कि इतना बदमजा होगा। वैसे मेरे एक दोस्त है, उनके खानदान में एक रिवाज है, कहते हैं कि अगर मैयत का खाना बदमजा हो ना, इसका मतलब मरने वाला पक्का जहन्नुमी है। तुम्हारे मुंह में खा के तुम मेरे अदा को जन्नू में बोल रहे हो? जितनी ख्वारियां उन्होंने मुझे दी है ना, जन्नती भी नहीं हो सकते। तो क्या बच्चू बीच में खड़े रहेंगे? अरे बाबा, मुझे लगता है मैं इसीलिए यहाँ भटक रहा हूँ। अरे जालिमो, मेरी लाश को तो दफना दो। आ भाई, बच्चू भाई के लिए दुआ करें। या अल्लाह,
बच्चू भाई को कोई अच्छे मकाम पे पहुंचा दे। वैसे तो उजाला बड़ा मुश्किल काम है, बड़े ही कोई बदमिजाज गुनाहगार और बद किरदार आदमी थे, लेकिन तू बड़ा गफूर रहीम है, तूने बड़े बड़ों को माफ कर दिया, इस पापी को भी माफ फरमा। या अल्लाह इसको जहां भेज लेकिन यहां मत भेजना। ए बना जानी तुम्हारी। अरे बाबा कौन लोग हो तुम लोग बाबा? अपनी पसंद का कुछ अच्छा मंगा, अच्छी जगह से मंगाएंगे। अरे बाबा मैं दिख रहा हूँ मेरा खाना खा के रो रहे हो, मैं दिख रहा हूँ तुम लोगों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया। जानी जब तक मैं इस गाय के मुजस्मे को यहाँ देखती रहूंगी ना, मुझे बच्चों की बहुत याद आएगी, इसलिए फौरन इसे यहाँ से हटाओ। पीछे हटो जा रहे थे, मुझे बच्चों की याद आएगी इसको देख के। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा खट्टा मीठा। अरे ये भला कैसी मोहब्बत है? सरीना तुम किसी मॉडल लड़के से शादी करना चाहती हो ना, तो बस जैसा मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। अब हाँ हाँ बाबा मैं भूल गई थी। बच्चू भाई के साथ जाना? नहीं तुम्हें भेजना था। इस भरी जवानी में भेज के आपको अच्छा लगेगा क्या? इस भरी जवानी में ना मैं भी तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगी। बड़ी इंतकामाना सोचा आपकी। अरे बाबा किन फजूल बातों में मेरे को लगा दिया है, मैंने बाबा साईं को तो बताया ही नहीं। अरे बाबा कितने जालिम लोग हैं, मेरी मौत की खबर मेरे बाबा जानी तक को नहीं दी है। वैसे बहुत गलत बात है सरीना, तुम्हें सबसे पहले बाबा साईं को फोन करना चाहिए था। अरे बाबा क्या बताऊं, गम में मैं इतनी निडाल हो गई थी कि मैं भूल गई कि मेरे अपने बाबा साईं को भी बताना था कि अदा। बता क्या थी? ए मेरा दा। फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? जानी को अपना जानी बनाने के बारे में। क्या बकवास कर रहे हो जानी? मेरा मतलब था कि वो अपना मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनाने के। हाँ हाँ ठीक है, उस बारे में भी सोचेंगे। और हाँ सुनो, अभी कुछ मेहमान और भी आएंगे तो कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर लेना, ये जन्मी और जनेती के फलसफे में मत पड़ जाना। अच्छा कोई कदर ही नहीं इसकी। देखो जिसको नौकर बनाना था उसको जानी बना दिया, जिसको जानी बनाना था उसको नौकर। चलो अल्लाह सही एक मौका दो, अल्लाह सही एक इस जानी को जान से मारना है, अल्लाह सही एक मौका दो। यार जानी भाई मेरे हालात कब बदलेंगे? देख शेर यार भाई, मैं पूरे कपड़ों में यहाँ आया था, अब आधे कपड़े रह गए, सोचा था कोई चांस मिलेगा, दिन फिर जाएंगे मेरे भी, लेकिन अब मुझे यहाँ से भले की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें ये बता दूँ। सुनिए शेर यार भाई, जाओ चावलों की देख ले आओ। शाबाश जी, सुनाइए। देखिए अंदर जाके बोलें कि मैं आई हूँ। चलो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो वैसे भी बच्चू भाई की झाले से परेशान थी। हाँ लेकिन ना बच्चू बहुत सीधे थे, मेरे अलावा कभी भी किसी औरत को आंख उठाकर नहीं देखा, हमेशा मेरे साथ ही मुखलिस रहे। मैं ऐसा मान ही नहीं सकती, मर्द कभी भी इतना सीधा नहीं हो सकता। अपने वालिद के बारे में भी यही ख्याल रखती हो क्या? क्यों बेचारे बच्चों के मरने के बाद भी मेरे दिल में शक डाल रही हो? मैडम क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई है जानी? वो कोई मिलने आया, बल्कि मिलने आई है। कौन? सौतन आई है आपकी। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा बल्कि मैं बुलाता हूँ उसको, आइए 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 आइए। वाह वैसे क्या नसीब पाए हैं, सौकन मिली भी सौपे होने के बाद। इसी वजह से छोड़ के गया, इतना जोर जोर से चीखोगे कौन रखेगा तुम्हारे पास? जानी बच्चू ने मुझे धोखा दिया। बच्चू
बाबा कौन औरती है मरने के बाद भी सुकून नहीं लेने देती है। अरे भला क्यों रो रहे हो, और ऐसा आदा का कौन सा रिश्तेदार है जो उनकी मोहब्बत में दाड़े मार के रो रहा है। तुम्हारी भाभी आई है। दूसरी भाजाई? अब आपके क्या मतलब है कि दूसरी बीबी भला कहाँ से आ गई? मैंने पहले ही कहा था कभी मेरी बात ही मान लिया करो। अरे भला ये सब क्या चल रहा है? अच्छा सीमा मैं चलती हूँ, तुम्हें सब अकेले ही झेलना है। हाँ जी। अच्छा भला ये बताओ कि हमें कैसे मान ले के तुम हमारे अदा की बीबी हो, हमारी भाजे? मेरा मतलब है कि तुम हमारे अदा की बीबी हो। हाय बच्चू, अगर तुम सामने होते ना तो तुम्हारे गले लग जाती मैं। इस सालिम माशरे के सवालों के जवाब कैसे दूंगी मैं, कैसे सामना करूंगी अम्मी? इसीलिए निकले, मुझे लगता है वो पता लग गया था गले मिलने वाली हो। अरे नहीं बाबा, सीमा ये झूठ बोल रही है, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ। सीमा मेरी बात का यकीन करो बाबा। जरीना देखा, तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया है। अरे नहीं नहीं भाजाई, मेरा आधा धोखा दे नहीं सकता भला, इसे मोटी छोकरी से मेरा आधा कैसे शादी कर सकता है? ये मेरे को कोई रॉन्ग नंबर लग रहा है। जी नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं हूँ, राइट नंबर हूँ, राइट टाइम पे आई हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, और अपना हक लेके जाऊंगी यहाँ से मैं। कर लो भाई इसको, क्या करना भाई? बाबा कहाँ फंस गए, ये कौन आ गई है? उठो मैडम उठो। नहीं 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 नहीं, चानी ये सब क्या है? मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वैसे एक बात है, मैयत वाले घर में अगर बिरयानी ना होना तो मैयत मैयत ही नहीं लगती। जानी तुम भी बैठ जाओ, खा लो हमारे साथ। माशाल्लाह, अब मैं रोज आप लोगों के साथ ही बैठ के ये खाया करूंगा। अरे बाबा नौकरों के साथ बैठ के खाना खाता, खड़ा जा बाबा। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज के दिन के लिए ही कहा है। गरीब आदमी के सपने भी कितने मुख्तसर होते हैं। अच्छा जरीना, तुमने बाबा साईं को तो फोन कर दिया था ना? मैंने बाबा साईं को फोन किया था लेकिन उनका फोन बंद जा रहा है, थोड़ी देर में करती हूँ, मेरे को बहुत भूख लग रही है। अच्छा जानी, तुमने कर मैसा ना बाजार जाना है, मुझे स्वयं के लिए सूट भी तो लेना है। एक मिनट, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, मेरे को भी 40वें तक के 40 सूट लेने। 40 सूट? आए 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 आए, ये क्या हो रहा है? मेरे शोर को मरे हुए टाइम ही कितना हुआ है जो तुम लोग बैठ के यहाँ पर बिरयानी खा रहे हो, खाना खा रहे हो? अबे ओ लावारिस बेवा, ये खाने के मामले में ना दादा बात करने की जरूरत नहीं है, वरना तेरे को कच्चा खा जाऊंगी। वैसे इस बात की गवाही मैं तहे दिल से देता हूँ। अरे हमारा फजूल टाइम बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से निकलो, वैसे भी सारे मेहमान आने वाले होंगे घर में। वही तो मैं चाहती हूँ, सबके सामने फैसला होगा यहाँ पर अब। फैसला? कैसा फैसला? मैं अब यहाँ से ऐसे जाने वाली नहीं हूँ, मुझे जायदाद में से पूरा बराबर का हिस्सा चाहिए। तेरे को ना एक भूची कोड़ी भी नहीं मिलेगी, समझी? आने दे मेरे बाबा से, फिर देख तेरा हशर क्या होता है। हाँ जिसको बुलाना है बुला लो, मैं अपना हक लिए बगैर नहीं जाऊंगी, और अगर तुम लोग इस तरह नहीं माने ना तो अदालत जाऊंगी, दरवाजा खटकाऊंगी और पुलिस को बुलाऊंगी, पुलिस को। समझ में आई तुम लोगों को? अरे आहिस्ता आहिस्ता, क्या हो गया? और वैसे भी इस सब बातों का क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई निकाहनामा है? हाय हाय, इस वक्त मेरे बच्चों का नामे अमाल खुल रहा होगा और तुम लोग मुझसे निकाहनामा मांग रहे हो? हाय बच्चू, मुझे कहां इस तन्हा दुनिया में छोड़ के चले गए, किस किस के सवालों का जवाब दूंगी? अगर तुम जिंदा होते ना तो मुझे देखते, मेरी हालत में तरस खाते। हाँ बल्ले बस ठयो, समझी तू? मालूम है कि तेरे को गले लगा लेते, तेरे को पहचान लेते, अभी सुकून से हमको खाना खा लेते, दफा अंदर। अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ लेकिन ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरा हक बनता, याद रखना तुम सारे के सारे। ए हल्ले दफा दी, खाना खाने दे। मनु सुन, वैसे बेचारी औरत को देख के मुझे लगता है ये औरत सच्ची है। जानी अल्लाह तुझे भी उठा ले बाबा, और फिर मैं तुझसे हिसाब चुकता करूंगा।
इसके एहसास जज्बात देख के मुझे लगता है ये वाकई बच्चू भाई की दूसरी बीवी है। जानी ज्यादा बकवास मत करो, होश करो और खाना खाओ चुप करके। कमाल है, अच्छे नौकर की कोई कदर ही नहीं है। भाजाई मोचड़ा उठा के मारो इसके मुंह पे। अरे भाई बच्चू साहब को क्या मसाला लगा के अहराम मिस्र में रखना है क्या? क्यों भाई, कब दफनाएगी उनको? क्या जिंदा होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं मेरा मतलब ये है कि बस वो पापा और बाबा साहब आ जाएं, बस फिर दफना देंगे। भाई अगर ज्यादा देर हो गई और लाश में दोबारा रूह आ गई फिर मुझे कुछ मत कहना। जाने कैसी पागल वाली बातें कर रहे हो। अच्छा सारी बातें छोड़े, औरत की ना मैंने बातें सुन ली है। वो बता क्या कह रही है? कह रही है मैं लाश दफनाने नहीं दूंगी जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा। हाँ वो ये साबित करके रहेगी कि बच्चू भाई उसके शौहर हैं। क्या वाकई? अरे भला कराने दो, देख लेंगे अपन लोग। जरा एक मिनट के लिए सोचो, ये बात सच साबित हो गई फिर तो आप अपनी जायदाद को भूल ले। नहीं नहीं जानी, फौरन से दो चार लोगों का इंतजाम करो और लाश ठिकाने लगा दो। कैसी बातें कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती हमने इसको कत्ल किया। अब नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि तदफीन का इंतजाम करो। मैं फिर करता हूँ। हाँ हाँ जल्दी 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 जल्दी। अल्लाह साईं मुझे एक मौका और दे, अल्लाह साईं एक। अरे बाबा ये क्या हो रहा है, ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे बाबा आ आ अरे बाबा अल्लाह साईं शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अरे वाह नहीं वाह, ये तो मजा आ गया। मैडम साहब जी की कंजूसी का वो आलम था, दो कंधों से ज्यादा मिल ही नहीं रहे, तीसरा मैं और चौथे का इंतजार कर रहे हैं। लो भाई चौथा भी आ गया। अरे बाबा चुप करो, कोई भूत भूत नहीं है बाबा, मैं जिंदा हूँ। बच्चू भाई इतना भोंडा मजाक। हाँ बाबा मजाक तो अभी मैं करूंगा तुम्हारे साथ बाबा, पहले ये मैं अपनी गैर एलानिया बीवी से निपट। हाँ हाँ बच्चू पहले तो इससे निपटे। हाँ दाभे भी आपके साथ हूँ। हाँ बाबा चुप करो सबके सब। अरे बाबा निपटूंगा तो मैं सबसे बारी बारी, पहले तो मैं इस औरत से निमट लू ना। इधर आओ बाबा इधर आओ। हाँ बाबा तो क्या कह रही थी तुम, मैं तुम्हारा शौहर हूँ है झूठी? अभी पुलिस को बुला करना, इसे डोंगी औरत को पुलिस के हवाले करूंगा सबसे पहले। रुके रुके रुके, ये सब कुछ मैंने खुद से नहीं किया, ये सब कुछ मैंने जानी के कहने में किया है। इसी ने कहा था मुझे कि जायदाद में से जो हिस्सा मिलेगा ना वो आधा तो कर लेंगे। बच्चू भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, खुद सोचे आप खुद सोचे। अरे बाबा तुम जो जो कर सकता है ना वो मैं सब देख चुका हूँ। तो फिर बुरी बात हो गई, मरा हुआ आदमी भी देख सकता है भला क्या? लेकिन मरा हुआ आदमी क्या कब कैसे देख सकता है ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा तुम्हारे मरने के बाद। पकड़ो बाबा इसे, मारो। अगर मेरी सैलरी बढ़ जाती तो सही से मैनेज हो जाता। अरे बाबा मैनेज करने लायक होते तुम तो यहाँ मैनेजर होते। बच्चू ये बेचारा परेशान है और आप फजूल की बकवास किए जा रहे हैं। अच्छा तो फिर मैं हाँ समझू? बाबा रिश्ता लेकर आए जो हाँ समझू। जो लोग बचत करना तो चाहते हैं लेकिन बचत कर नहीं पाते, तो इसीलिए हम लोग उनके घर पे जाके फ्री में ट्रेनिंग देते हैं बचत करने की। अरे बाबा मुफ्त में? क्या बात है बाबा, मुफ्त में दे रहे ट्रेनिंग, वाह वाह। मुफ्त में खाना नहीं दे रहे जो इतना खुश हो रहे हैं आप। आपके कमरे में एक ही वक्त में पंखा और एसी दोनों चल रहे हैं। हाँ बाबा इंसान सोएगा तो एसी तो चलाएगा ना। अरे नहीं 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 नहीं, ये फजूल खर्ची है। अरे ऐसे बचत कैसे होगी, चार लोगों की जगह सिर्फ दो लोगों का खाना बनेगा। सच्ची मैडम और साहब जी जा रहे हैं कहीं? अरे नहीं नहीं, ये चार लोग सिर्फ दो लोगों का खाना हाफ हाफ पेट खाएंगे। अरे बाबा ये तो तकरीबन आठ लोगों का खाना है, आपने तो कहा था बचत करनी है कम खाना है। अरे हाँ वो तो आप लोगों के लिए था, बाकी का सारा खाना मेरे लिए। क्या
तो आप लोगों को बकरी से ही काम चलाना पड़ेगा, तभी तो होगी ना बचत। अरे बाबा फिर बकरी की भी क्या जरूरत है, एक काम करते हैं मुर्गी से काम चला लेते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ मुर्गी भी छोड़ो, चूजे से काम चला लेते हैं। मैं तो कहता हूँ अंडा ही कर लें। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा।